मॉर्निंग फ्रेंड, ससुराल के अंदर फुल हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। ये देखो, ये बैठी है मैडम। आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो हम कोई नया व्लॉग डाल नहीं पाए। ऑलरेडी शायद हमने 3 या 4 दिन पहले नया व्लॉग डाला था जब हम लोग मोजोलैंड गए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सजेशंस की वीडियोज़ के अंदर शो होता है, या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो अभी तो फिलहाल अभी सो के उठे थे थोड़ी देर पहले, और मैं नहा लूं। मैं सो के उठाऊं सो के थोड़ी देर पहले और नहा लूं के मैं फ्रेश होकर बैठा हुआ हूं। हमारे ना जो ग्राउंड फ्लोर है हमारे घर का, उसमें नीचे चल रहा है थोड़ा सा रेनोवेशन का काम, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि ये काम काज में लगी रहती है। वैसे ऑलमोस्ट 50% तो काम हो चुका है, बट मैं भी थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि नीचे क्या काम चल रहा है। तो फिलहाल कर लेते हैं पहले नाश्ता। आज बना है नाश्ते में सुबह सुबह दाल चावल मिलेंगे मुझे, ये है मैंगो शेक, थोड़ी सी पनीर की सब्जी, कटहल, कुरकुरे क्या क्या लिया है, ब्रेड, नमकीन, चाय। मेरा आज चाय पीने का, मैं चाय पीती नहीं आप लोगों को पता ही है, बट आज थोड़ा मन किया तो इसलिए चाय के साथ ये मैं आई। एक्चुअली कुछ चीज शेयर करनी है आपसे, वो मैं पहले दिखा देता हूँ आप। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है जब मैडम आ गई थी हमारी वहाँ से मायके से, उसके पास से इन्होंने अपनी जो है ना अलमीरा, अब मैं उसकी अलमीरा की हालत दिखाता हूँ। वो थोड़ी मेरी वजह से भी थी। ये है मैडम की अलमीरा की हालत, ये देखो। यार ये क्या कर रहे हो? ये अलमीरा की हालत हो रखी है। हमने इसके लिए कुछ सोचा था पिछले 2-3 दिन पहले, मैडम ने कुछ सर्च किया ऑनलाइन इस चीज़ को ठीक करने के लिए। हमने ऑर्डर भी कर दिया था और हमने मंगवा भी लिया है, तो देखते हैं उसको मैनेज करके कि जैसा हमने सोचा है ये उस तरीके से अलमीरा को सेट कर पाएंगे या नहीं, तो आज वही शेयर करेंगे आपसे। मैं कभी भी अलमीरा ऐसे नहीं रखती। आपने पहले पिछले व्लॉग में अलमीरा, किस व्लॉग में अलमीरा? अलमीरा नहीं, अरे ये बहाने हैं, मैंने आज दिखा दिया तो ये बहाने कर रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब अलमीरा सेट करने लगेंगे तब आपसे मिलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको नीचे का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे घर के नीचे काम क्या चल रहा है। बाकी तो फिर जो फाइनल होगा वो तो हम दिखाएंगे आप। नाश्ता हमारा हो चुका है और मैंने बोला था मैडम को, मैंने कहा एक काम करते हैं यार, वो आगे का जो है ब्लॉग शूट कर लेते हैं, बट कह रही कि नहीं थोड़ी देर बात करेंगे, और रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। ये देखो ये मैडम, और ये देखो उन्होंने टीवी पे क्या लगा लिया, KGF Chapter 2। वैसे हम लोग ये ऑलरेडी थिएटर पे देखकर आ चुके हैं, जब भी मतलब मन करता है तो अपना उठा के KGF 2 लगा लेना होता है। तो मूवी फिनिश हो चुकी है और बट इनका खाना भी चल रहा है। क्या खा रही है मैडम? ये प्रसाद खा रही है, ये एक प्रसाद आया हुआ था वो खा रही है। और मूवी भी बढ़िया थी, मजा आ गया दोबारा से देखकर। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी अलमीरा का मेकओवर, तो अब शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है और जो अलमीरा को मैनेज करने में भी टाइम लगेगा। तो पहले हम दिखाते हैं आपको कि अलमीरा के अंदर जो निकलने वाला है ना सामान, यार देखना इतना, देखो इसी का बताना बेकार है, देखो। इसको देखो ये कहाँ घुस गई, ये मेरी छोटी वाली भतीजी है। ए निक्कू हाय करो, हाय, हेलो बेटू। ये मेरी कुछ 12 या 15 शर्ट्स हैं, तो मैं इनको भी मैनेज करूंगा। ये मेरी कुछ जीन्स वगैरह, तो मैंने सेट कर लिया कपड़े। अलमीरा, अच्छा अच्छा एक सेकंड, अलमीरा इसने ही सेट करनी है, लेकिन जो अपनी शर्ट है वो प्रेस मैं करूंगा। मैं तो कुछ भी है, कुछ भी है, शर्ट तो प्रेस मैं ही करने वाला हूँ, तो मैं शर्ट प्रेस करके रखूंगा। और फिलहाल पहले फटाफट
तुम अपने रैक का भी सामान बाहर निकाल लो ताकि फिर हम वो दिखाएं जो तुमने मंगाया हुआ है। चलो तो जो हमने मंगाया है वो काम कर जाए, लेकिन देखते हैं, कर तो जाना चाहिए, क्यों है ना। ओपन करने वाली हूँ। इसमें कुछ बैग्स हैं, बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये कुछ बैग्स मिले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है क्लोथ ऑर्गेनाइजर्स। आप अभी दिखने में ये ऐसा दिख रहा है, बट ये देखिए कितना स्पेस है इसके अंदर। इसको ऐसे मैं कपड़े इसमें डालने वाली हूँ फोल्ड करके अच्छे से। तो ये बैग्स मंगाने का जो मेरा एक रीज़न था कि अब जैसे होता है ना कि पुराने कपड़े पीछे रह जाते हैं, फिर हम नए नए खरीदने जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता पुराने कपड़े कौन से पहने। ठीक है, तो आपने अगर मान लो कुछ भी पहनना है तो इसके आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो वो जैसे आपने एक कपड़ा खींचा बहुत सारे गिर जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो। जैसे मेरे कुछ फेवरेट शर्ट्स हैं तो मैं उनका एक अलग बंच बना दूंगा। बाहर पहनता हूँ टी शर्ट्स या ऑफिस में कैरी करता हूँ टी शर्ट्स वगैरह, उनका मैं अलग बंच बना दूंगा। सेम मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। जो मेरे जो मतलब नए कपड़े होंगे जो बाहर पहनने वाले होंगे उनको मैं अलग उसमें रखूंगी बैग में, और जो मेरे डेली वेयर के कपड़े होंगे उनको मैं अलग उसमें रखूंगी। मतलब ऐसे ही करने वाली हूँ मैं। इससे पता ये फायदा होगा, नहीं करना है वैसे तो इनको, खाली कपड़े प्रेस करके देने, सब कुछ मुझे ही सेट करना। मुझे सिर्फ एक काम करना था, जो इसने मंगाया उसकी पेमेंट करनी थी, तो वो मैंने कर दिया और सामान आ चुका। हस्बैंड किस लिए होते हैं? पेमेंट करने के लिए होते हैं। अभी तो मेरे को पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करना पड़ेगा, तो वो भी हस्बैंड ही पे करने वाले हैं। क्यों भाई? तो हम सबसे पहले कपड़े प्रेस करेंगे और फिर देखते हैं कि एक बैग के अंदर कितनी शर्ट आ पाती है। ठीक है, तो कपड़े तो मैंने सारे फोल्ड कर दिया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहे कपड़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे कपड़े हैं। मैंने आयरन नहीं किए, मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिए, क्योंकि मेरे को क्या है ना, रखने की आदत है, और ये भी है कि हाँ मुझे जो कपड़ा निकालना है वो मैं अपने आप आराम से निकाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा दिक्कत रहता है, मतलब एक निकालते हैं 10 कपड़े बाहर आते हैं उनके। सो हस्बैंड को पापा जी ने बुलाया है नीचे अभी किसी काम से, तो वो वहाँ गए हैं, आते ही फिर करते हैं। बाकी कुछ कपड़े रह गए हैं, सोच रही हूँ मैं ही आयरन कर दूँ। झूठ बोल रहे थे वो, मैं आयरन नहीं करती, मैं ही करती थी पहले आयरन सारे कपड़े उन्हों के। फाइनली लास्ट शर्ट है, थका दिया मेरे हस्बैंड ने आज, अभी तक आए नहीं है, सारी शर्ट्स मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। फिर कहेंगे कि मैंने आयरन किए सारे कपड़े ना, इसलिए नहीं। छोटी पापा को ना भूख लगी है तो उनका हलवा खाना है, तो अभी मुझे काम को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, तो पहले मैं हलवा बना देती हूँ फटाफट से। स्माइल करने वाली कोई बात नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा पोपट हो गया है मेरा, नहीं इसी का खुद का हो गया पोपट। वो पोपट किस वजह से हुआ है कि एक्चुअली जो हमने क्लोथ ऑर्गेनाइजर मंगाए थे ना, तो ऐसा था कि इसने बोला था कि मैं अपने कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लूँगी वैसे तो, बट उसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े ऑर्गेनाइज हो पाए, और क्योंकि एक्चुअली मेरी शर्ट वगैरह तो ईजिली प्रेस्ड शर्ट टी शर्ट्स तो ईजिली प्रेस हो गए उसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गई, और मैडम के कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे उसके हिसाब से, बैग्स भी थे कम। ऐसा कुछ नहीं, हाँ क्या कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और बड़े बैग्स मंगवाने हैं, मतलब अपने लिए, तो इसमें मेरा फायदा हो गया ना, इसके बड़े बैग्स आएंगे। वैसे वो मैंने कुछ अपनी जो टी शर्ट्स थी और उनको मैंने बैग्स के अंदर डाल दिया, पर शर्ट रह गई है, वो भी अब मैं बैग्स के अंदर डाल के दिखाऊंगा आपको। मैं कहा बताया था ना फ्रेंड्स, ये सारे चले गए थे, और भी काम करना था, मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट ये शर्ट आयरन हो जाएगी तो मैं सिर्फ रखना रह जाएगा। ठीक है, काम था मुझे पूरी अलमीरा सेट करनी है, बट ये
काम को ऐसे ही मतलब इन्होंने मुश्किल से 6 से 7 शर्ट्स प्रेस की होंगी, बाकी सारे शर्ट्स मैंने आयरन की। पहले ये बता देते हैं जल्दी से फटाफट, तो अब ये मेरी शर्ट से जो प्रेस कर दी थी कुछ मैंने, और बाकी तो इन्होंने ही करी है, मैडम जी ने पैक। तो मैं जरा इनको इस बंच में मतलब बैग के अंदर डालता हूँ, देखते हैं कितनी शर्ट आ जाएंगी। ये 18 शर्ट है मेरी, अब आप देख सकते हैं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी फंक्शन में, मतलब कुछ भी अगर आपको कहीं जाना है तो आप इजीली यहाँ से शर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं करना, जिप खोली और फिर यहाँ से आपको इजीली निकाल लेनी है शर्ट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसके अंदर मेरी शर्ट्स आ गई, इसके अंदर मेरी डेली वेयर्स के और जिम पर्पस वाले जो कपड़े हैं वो आ गए इसमें, टी शर्ट्स और इनके लोवर। इस बैग के अंदर मेरी जो कैजुअल टी शर्ट्स हैं जो मैं ऑफिस कैरी करता हूँ, या वैसे जो पॉलर टी शर्ट्स मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, वो इसके अंदर है। तो देखो जो मेरा रैक है, अब मेरे को सिर्फ ये 3 सामान रखना है और अपने सिर्फ ट्राउजर्स रखने हैं, दैट्स इट। मेरा रैक बिल्कुल सेट है, उसके अंदर स्पेस भी बच जाए। मूड खराब हो रखा है, चलो मूड मत खराब करो। यहाँ मूड खराब, अरे 2 बैग बच गए हैं फिर भी मूड खराब हो रहा है। कह रहे मैं भी रखूंगी, जबरदस्ती रख रही है, देखो जबरदस्ती वाली बात। काफी सारे कपड़े इन 5 बैग्स के अंदर तो आ चुके हैं। तो ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये मेरी थोड़ी जीन्स और ट्राउजर्स वगैरह, और ये थोड़े से कपड़े इसके बचे, तो ये फाइनली इसके अंदर सेट कर देगी। अब अलमीरा सेट करने के बाद आपको कैसा लग रहा है बताइए जरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली मैं देख रही हूँ ना अलमीरा, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम आप लोगों को भी दिखाते हैं कि अलमीरा किस तरीके से मैनेज हुई है, और पहले कैसी दिख रही थी आप जरूर कमेंट में बताना, और अब कैसी दिख रही है। ठीक है, तो देखते हैं पहले अलमीरा को। फाइनली इन बैग्स के वजह से कितना स्पेस यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए फिर भी काफी स्पेस हो गया, तो बहुत ज्यादा मेरे को तो बहुत खुशी है इस चीज की। तो आज का अपना व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं एंड करूंगा व्लॉग का। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको, सीरियसली बताना वैसे, कि अलमीरा में आपको फर्क लगा या नहीं लगा, क्योंकि हमें जरूर लगा। बैग्स वैसे काम के निकले, मेरे तो काम के निकले, इसने भी 2 यूज कर लिए वैसे, बट मतलब है यूजफुल है। तो अगर आप में से किसी को ये बैग चाहिए हो तो प्लीज हमें कमेंट में लिख देना, हम आपको एक अगली वाली वीडियो के अंदर इसका लिंक जो है जो भी है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। और आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जैसे ये बोलती है कि हमारे जो ससुराल के अंदर फूल के जो नए व्यूअर है जो देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाओगे तो यार नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। बाय, गुड नाइट एवरीवन।